ओ माय गॉड, आज फ्रेंडशिप डे है। सभी सहेलियों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूंगी, व्हाट्सएप का स्टेटस लगाऊंगी सबके लिए, और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगी, फेसबुक पे स्टोरी लगाऊंगी, सबको मैसेज करूंगी, सबको कॉल करके विश करूंगी, सबको बताऊंगी कि मैं ही उनकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। बचपन से इस बुक में जितनी भी दोस्ती वाली शायरी लिखती थी कब काम आएगी, और ये रही दोस्ती के लिए जान देने वाली शायरी, हाँ आज सबको यही भेजूंगी। हेलो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओ माय गॉड, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तू कितनी अच्छी है यार, लव यू सो मच यार। और सुन, मैं तेरे लिए और बाकी दोस्तों के लिए ना फ्रेंडशिप बैंड भिजवाई हूँ। लॉकडाउन हो या कोरोना वायरस हो, मेरे को फ्रेंडशिप बैंड भेजने से रोक नहीं सकता। थैंक यू यार, मिस यू सो मच। हाँ यार, मैं भी तेरे को और बाकी दोस्तों को बहुत मिस कर रही हूँ। तेरे को याद है हम लोग पिछले साल फ्रेंडशिप डे पे घूमने गए थे, वहाँ कितनी मस्ती किए थे, 100-200 गुपचुप खाए थे, उसके बाद 500-600 मोमोज खाए थे, फिर उसके बाद 10-15 हज़ार फोटोज लिए थे। हाँ यार, मैं तो अभी भी अपने इंस्टाग्राम पे वही वाले फोटोज यूज करती हूँ। लोगों को लगता है मैं बहुत घूमती हूँ, इसलिए मैंने अपने इंस्टा बायो पे #wanderlust, #ilovetraveling ये सब भी लिख दिया है। हाँ अच्छा सुन ना, आज मैं ना ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, मेरे को लूज मोशन हो रहे थे, तो प्लीज़ तू मेरे को अपने नोट्स सेंड कर देना, मैं अभी थोड़ा सा पढ़ लूँगी। अगर मैंने इसको नोट्स दे दिए तो फिर मेरे क्लास अटेंड करने का क्या मतलब रह जाएगा? मैंने अपने सीरियल की टाइमिंग में सीरियल देखना छोड़ के क्लास अटेंड किया, आज ये भी नहीं देख पाई कि गोपी बहू ने लैपटॉप से वायरस कैसे हटाया, और मैं इसको नोट्स दे दूँ? कहीं ये मेरे नोट्स पढ़ के मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले आई तो, कहीं इसने टॉप कर दिया तो, कहीं इसने मेरे बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस कर लिया तो, कहीं उसको खाना खिलाने लग गई तो, कहीं मेरे नोट्स पढ़ के ये इसरो या नासा में सेलेक्ट हो गई तो, कहीं ये मेरे नोट्स पढ़ के मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बन गई तो। हेलो हेलो, तेरे को पता है हम लोग दुनिया में नहीं ब्रह्मांड में सबसे अच्छी दोस्त हैं हम लोग। वो कैसे? देख, आज तेरे को लूज मोशन हो गया, तू ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाई, मेरे को भी लूज मोशन हो गया, मैं भी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाई। भगवान भी यही चाहता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहें, हर काम साथ में करें। तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना, कि कहीं मैं ज्यादा ना पढ़ लूज करके? अरे पागल है क्या, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हा? और तू मुझ पे शक कर रही है, मुझ पे? आज तूने दिखा दिया ना। मैंने क्या दिखाया? और तेरे पास क्या सबूत है? अच्छा, तो तेरे को सबूत चाहिए है ना, सबूत चाहिए, रुक एक मिनट। हाँ, अपने मोबाइल चेक कर, तेरे को सबूत भेजी हूँ। हाँ रुक, ये क्या है, क्या भेजी तू मेरे को? हाँ वो मेरी टट्टी की फोटो है, तुझे सबूत चाहिए था ना, अब देख सबूत। लेकिन तूने बोला था तूने रात को आलू मटर की सब्जी खाई थी, इसमें तो आलू मटर नहीं दिख रहा है। वो आलू तो घुल गया, आलू तो घुल जाता है ना, घुल गया वो। और मटर? मटर मटर वो देखा, एक मटर से मैंने तेरा झूठ पकड़ लिया, आज से तेरी मेरी फ्रेंडशिप खत्म, कट्टी। मुझे भी नहीं रहना किसी ऐसी लड़की का बेस्ट फ्रेंड जो सिंगल हो और अपनी बेस्ट फ्रेंड के बाबू को थाना थिलाने की फिराक में रहती हो। स्टेटस डिलीट कर देती हूँ। हेलो, क्या हेलो भाई, क्या हेलो? हेलो, क्या हुआ भाई, बहुत गुस्से में लग रहा है, बता। क्या चूतिया दोस्त मिले हैं मुझे यार, आज फ्रेंडशिप डे है भाई। अरे हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। वाह बेन स्टोक्स वाह। भाई प्रिया को देख, अपनी हर सहेली, हर बेस्ट फ्रेंड, हर फ्रेंड्स विद बेनिफिट, हर बॉयफ्रेंड का फोटो डाली है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, और न जाने कहाँ कहाँ, और फोटो डालने के साथ साथ दो दो पेज लिखी है उसके साथ साथ। और हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 महीने पहले वीडियो कॉल के ट्रेंड फॉलो करने के प्रेशर में जो वीडियो कॉल किया था गलती से, उसका स्क्रीनशॉट आज डाल रहे हैं ताकि लोगों को लगे हाँ भैया ये लोग फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स को वीडियो कॉल कर रहे हैं। अरे भाई कुछ सीखो उन लोगों से, एक छोटा सा वीडियो बना देते यार, कुछ सिंपल सा फोटो ऐड कर देते, एक घिसा पिटा सा दोस्ती वाला गाना लगा देते, स्लाइड शो बना देते, अच्छा लगता। बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देते कोई बात नहीं यार, आज के दिन तो गिफ्ट बनता है यार, फ्रेंडशिप डे है आज। अच्छा चल, अब शांत हो जा, तेरे को तेरा फ्रेंडशिप डे वाला गिफ्ट मिल जाएगा। सच में भाई? अरे हाँ भैया मिल जाएगा। चल ये सब छोड़, और बता तेरे बाबू कैसी है? अच्छी यार, बस थोड़ी सी खुश नहीं है। क्यों, तुम लोग तो अच्छे से रहते हो ना, कहीं तेरे को वो मर्दों वाली बीमारी तो नहीं है ना, कमजोरी वगैरह? अबे नहीं यार, तू ही याद कर, जब मेरी सेटिंग करानी थी तो तूने उसको मेरे क्या क्या गुण बताए थे। हेलो अंजलि, कैसी हो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। बुरा मत मानना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सही नहीं है। क्यों? कल ही मैंने उसको एक लड़की के साथ देखा है, ये देखो मैंने फोटो भी ली है। ओह नो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं आज ही वैभव से ब्रेकअप कर लूंगी,
लेकिन उसके बाद फिर मैं अकेले कैसे रहूंगी? अगर कॉलेज में कोई अच्छा लड़का तू जानता होगा तो बताना यार। तू अंकुश से बात करके देख, वो लड़का हर चीज में माहिर है, क्लास का टॉपर भी है। लेकिन वो तो क्लास में कभी आंसर करता ही नहीं है। जब टीचर क्लास में क्वेश्चन करते हैं सब खड़े हो जाते हैं, वो भी चुपचाप खड़े हो जाते हैं, आंसर ही नहीं करता। यही तो तुम नहीं समझ पाई ना, कितनी भोली हो तुम। अगर तुम ये समझ जाती तो तुम आज वैभव के साथ नहीं अंकुश के साथ होती, ठीक है? वो क्लास में आंसर इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपने दोस्तों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता है। अब देखो, हम क्लास में खड़े हैं, टीचर हमसे पूछ रहे हैं, हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, हम खड़े हैं, और उसके बाद अंकुश आंसर करके बैठ जाए, ये अंकुश को मंजूर नहीं है। ये है उसकी दोस्ती निभाने का लेवल। अच्छा, लेकिन उसके तो एग्जाम में भी अच्छे नंबर नहीं आते ना। चलो क्लास में आंसर नहीं कर रहे दोस्तों की वजह से, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो अच्छे नंबर आने चाहिए, वो भी नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि वो एग्जाम में खुद के आंसर नहीं लिखता। वो क्या है, वो दिल का बहुत अच्छा है। जब हम दोस्त लोग उसको बोलते हैं कि भाई ये वाला आंसर बता दे, पढ़ा होगा, तो वो आंसर नहीं बताता, वो हमसे हमारी आंसर शीट लेके खुद लिखने लग जाता है। खुद के आंसर शीट में आंसर नहीं लिखता, इसलिए उसके नंबर कम आते हैं। वो बहुत अच्छा है। अब तुम सोच लो, जो इतनी अच्छी से अपनी दोस्ती निभा रहा है, वो अपनी रिलेशनशिप कितनी अच्छे से निभाएगा। इसलिए मैं तो तुमको सजेस्ट करूंगा, तुमको उसके साथ आना चाहिए। वाओ यार, और बताना उसके बारे में। वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी है। ये देखो, मैं उसकी एक फोटो दिखाता हूँ, आर्टवर्क की। ओह नो, ये पेंटिंग तो मैंने कहीं देखी है, याद नहीं आ रहा है कहाँ देखी है। अरे बिल्कुल देखी होगी, बहुत फेमस पेंटिंग है। साथ ही साथ वो तो स्केच भी बना देता है। आदमी ऐसे खड़ा रहेगा वैसे ही स्केच बना देगा, तुम्हारी भी स्केच बना देगा, जैसे टाइटैनिक मूवी में बनाता है ना हीरो हीरोइन की स्केच, वैसे ही। वाओ, क्या? अरे इसके अलावा वो जिम जाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, पुलिस में है, फायर फाइटर है, आर्मी में है, एस्ट्रोनॉट भी है, पूरा का पूरा जॉनी सिंस है। मतलब तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर वो इतना अच्छा है तो क्या उसकी गर्लफ्रेंड है? एकाद पहले थी, जब अंकुश फिफ्थ क्लास में था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, रोज रात को मोबाइल पे शादी की सात कस्में खाया करते थे, बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। फिर उस लड़की ने अंकुश को धोखा दे दिया। उसके बाद से अंकुश किसी लड़की पे भरोसा नहीं करता। तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अभी जा रही हूँ अंकुश से बात करने। अभी तो इतनी तारीफ की तभी इंप्रेस हुई, ठीक है। हाँ तो भाई, कोई बात सच भी तो होनी चाहिए ना। अब मैं कहाँ से उसको टाइटैनिक वाला स्केच बनाऊँ उसके लिए? मैं बना दूँ क्या टाइटैनिक वाली स्केच? चुप बे, मेरे कहने का ये मतलब है भाई, सेटिंग करा दी हो, थोड़ा और मदद करना चाहिए ना आगे। अच्छा चल, ये सब छोड़ और बता, प्रीति को विश किया फ्रेंडशिप डे? कौन प्रीति? अरे वही प्रीति जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा था। चलना है प्रीति, आज चलते हैं डिनर पे। कहाँ जा रहे हो प्रीति के साथ? वो चल भाई, बोल दिया ना प्रीति को डिनर के लिए, अंजलि को भी बता दिया ना, आज सब चलते हैं यार, मस्त डिनर करते हैं, इंजॉय करते हैं हम सब। हाँ, हम सब डिनर पे चलते हैं। ओ भाई, तूने तो जान बचा ली थी यार उस दिन। और भाई मुझे याद है, तू क्लास वास भी अटेंड नहीं करता था, बस घूमते रहता था, लेकिन फिर भी तेरी अटेंडेंस अच्छी थी और तू एग्जाम दे पाया। कैसे है, मेरे को समझ में नहीं आया। अरे तो भाई, तुम ही लोग तो प्रॉक्सी लगा लगा के अटेंडेंस मेंटेन किए था ना मेरा, नहीं तो मैं तो एग्जाम भी नहीं दे पाता, निपट ही जाता। अच्छा, तेरे वो याद है अंजलि के भाई तेरे मारने आया था, कैसा भागा था तू फटी में? अरे वो तो याद मत दिला भाई, कसम से उस दिन तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता सच में। वो लोग बोल रहे थे कि मेरी चड्डी फटते तक मारेंगे, और उस दिन तो मैंने चड्डी भी नहीं पहनी थी। तो भाई, अपन तेरे साथ हर टाइम रहते हैं, तेरी सेटिंग कराते हैं, क्लास में प्रॉक्सी लगाते हैं, उसके बाद तुम्हारा पिछवाड़ा टूटने से बचाते हैं। ये होती है असली फ्रेंडशिप। वो नहीं कि बस एक दिन फ्रेंडशिप बैंड दिया, गिफ्ट दिया, आई लव यू बोला, अगले दिन भूल गए। ऐसा नहीं होता फ्रेंडशिप। तुम ही लोग मेरे सच्चे दोस्त हो भाई। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया। फोन कट कर दिया? कैसे कमीने दोस्त है भाई, एक गाना भी नहीं सुन सकते, कितने प्यार से गा रहा था मैं, भले बेसुरा हूँ, झूठी तारीफ कर देते। आई नीड न्यू फ्रेंड्स। हेलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। Have fun. Happy Friendship Day.